कहानी नंबर 143, सहनशीलता। एक बार एक युवती नववधु बनकर ससुराल में आई तो उसको सास मिली दुर्वासा की अवतार। एक दिन में 2-3 बार जब तक लड़ न लेती उसे भोजन नहीं पसता था। बहू आई तो सास ने सोचा अब घर में ही लड़ने का मौका निकालूंगी, बाहर लड़ने को अब काहे को जाना। बस बहू को बात बात पर ताने देने लगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या यही शिक्षा दी है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है? तेरी जैसी मूर्खा तो मैंने कभी नहीं देखी। बहू यह सब सुनकर मौन ही रहती। सास चिल्लाकर कहती, अरे तेरे मुंह में क्या जीभ नहीं है? बहू फिर भी शांत बनी रहती। बहू का मौन देखकर सास का लड़ाई रूपी घोड़ा क्रोध की सड़क पर तेज गति से दौड़ने लगता। प्रतिदिन ऐसा ही होता था। आस पड़ोस के सभी लोग इस नाटक को देखते और मन ही मन सोचते कि यह सास है या। एक दिन वह इसी प्रकार बहू पर बरस रही थी, पर बहू मौन थी। सास कह रही थी, अरे पृथ्वी पर भी लात मारो तो वह शोर करती है, और मैं इतना बोल रही हूँ तू फिर भी चुप है? तू तो मिट्टी से भी गई बीती है। तभी एक पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया लड़ने की बहुत इच्छा है तो आकर हमसे लड़, तेरा चस्का पूरा हो जाएगा और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। इस बेचारी गाय के पीछे क्यों पड़ रही है जो उत्तर भी नहीं देती? बहू ने तुरंत उठकर कहा, अरे नहीं इन्हें कुछ मत कहिए, ये मेरी माँ है। माँ ही बेटी को नहीं समझाएगी तो फिर कौन समझाएगा? सास ने बहू की जब यह प्यार भरी बात सुनी तो वह बड़ी लज्जित हो गई। फिर एक भी दिन उसने क्रोध नहीं किया। बहू की सहन शक्ति ने सास का कठोर स्वभाव बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सहनशीलता व धैर्य से हमें तो शांति मिलती ही है, साथ ही परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपने अपने मनुष्य जीवन में से कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।